दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पावर बैंक दिखाने वाला हूँ जो कि आपके बजट में भी है और काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर सारे फीचर मिलेंगे जो एक अच्छे पावर बैंक में होना चाहिए। देख सकते हो, ये 10,000 mAh का पावर बैंक है, पोटोनिक्स ब्रांड की तरफ से है, और इसका मॉडल नंबर देख सकते हो, लक्सेल वायरलेस टेच के। 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये जो है वर्क करता है मैगसेफ की तरफ से है, ठीक है। और मैगसेफ में आपको जो है 15 वाट का वायरलेस आउटपुट देगा, जो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसका मॉडल नंबर पढ़ सकते हो, ठीक है, डिटेल। और इसकी MRP है 3,000 के अराउंड, तो आपको इतनी पे नहीं करनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इतना ही कुछ लिखा हुआ है, और इसके साइड में आप देख सकते हो कुछ इनकी ब्रांडिंग है, और यहाँ पर कुछ इसके फीचर लिखे हुए हैं। 15 वाट की वायरलेस आउटपुट प्रोवाइड करेगा, एक LED इंडिकेटर है, टाइप सी PD आउटपुट भी प्रोवाइड करेगा, टाइप सी इनपुट है, मैच USB आउटपुट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है, ठीक है, क्यों परचेज़ किया है वो भी मैं आपको रीज़न इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार मैंने इसको ओपन कर रखा था, ठीक है, तो चलिए फिर से मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसको ओपन करना है कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है, तो वहाँ पर शॉप पे जो है उन्होंने वारंटी मुझे यहाँ पर लिख कर दे दी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 1 साल की वारंटी है, ठीक है, इसके साथ, तो जो काफ़ी अच्छी बात है इस पावर बैंक के साथ। आप इसका डिज़ाइन देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, तो कुछ इस तरीके से है। ये डॉक्यूमेंट वगैरह है, और ये हमारा पावर बैंक है, और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो यहाँ पर जो है हमें टाइप सी केबल मिलेगी, जो कि है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की देखने पे लग रही है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम देख लेंगे, देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, टाइप सी केबल है, काफ़ी अच्छी है, मोटी है, ठीक है, साइड में रखते हैं। अब जो है यहाँ पर जो आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा पोटोनिक्स की तरफ से, ठीक है, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। और ये रहा यूज़र मैनुअल, जिसमें जो है इसके बारे में स्पेसिफिकेशन लिखा है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और कुछ इस तरीके से है, और किस कैसे इसको ऑन करना है, कैसे ऑफ़ करना है, सारी चीज़ें, प्रिकॉशन वगैरह सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर रखी हैं, ठीक है, इसे भी हम साइड में रखते हैं। तो मेन पावर बैंक को देख लेते हैं, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। फ्रंट से आपको कुछ इस तरीके का प्लास्टिक ग्रिल मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन दिया है, जहाँ की सर्किट यहाँ पर लगा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक टाइप ए आउटपुट है, और एक टाइप सी आउटपुट है, और एक वायरलेस पैड है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये जो है इंडिकेटर बटन, आप अगर इसको प्रेस करते हो तो यहाँ पर इंडिकेशन शो करेगा, ओके। और यहाँ पर जो आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, बात क्या आती है पावर बैंक जो है कितना सेफ़ है, तो उसका जो है BIS नंबर जो है R नंबर आप फाइंड करके जो है चेक कर सकते हो कि ये जो कितना रिलायबल है, ठीक है, तो इस तरीके से है। और यहाँ पर जो है पोटोनिक्स की ब्रांडिंग की गई है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में जो है इसका टेस्ट करके दिखाऊंगा, और यहाँ पर जो है आपको सब कुछ चेक करके दिखाऊंगा, आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैंने ऑफलाइन बाय किया था, जैसे कि आपको पता है, रीज़न क्या है फ्रेंड्स, ये जो है ऑफलाइन मुझे जो है 1350 के अराउंड मिला है, और ये जो है ऑनलाइन जो इसकी प्राइस है वो 2000 के अराउंड है। मैं आपको जो है डिस्प्ले में जो है स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे चेक करोगे तो आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। तो जो नॉन वायरलेस पैड वाला है वो आपको 1300-1400 के अराउंड मिलता है, और वायरलेस पैड वाला आपको 2000 के अराउंड अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिलता है। तो मैं आपको एक बार लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हो प्राइजिंग, ठीक है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, 10,000 mAh का है, 1 साल की वारंटी है, वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, ठीक है, और फास्ट चार्जिंग भी इसके अंदर मिल जाती है। तो ये सब देख के मैंने ऑफलाइन जो है 1350 के अराउंड इसको बाय कर लिया। क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे आपने ये पोटोनिक्स ही क्यों चुना, जैसे कि आप सभी को पता है एमरेन के पावर बैंक काफ़ी अच्छे होते हैं, बट जो है कुछ टाइम से उनके जो रिव्यू हैं बहुत ख़राब आ रहे हैं, उनकी जो स्पेशली बैटरी जो है फूल जाती है, स्वेलो हो जाती है, और जो है बैकअप नहीं देती है आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। तो मैंने जो बाय किया था लास्ट टाइम पावर बैंक एमरेन का, और वो जो है काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे पाया मुझे, ठीक है। तो
इस वजह से मैंने अलग जो ब्रांड के पे शिफ्ट करने का सोचा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जैसा भी ले सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो है उससे एक्सपीरियंस ख़राब रहा एमरेन की तरफ से, तो जो मैंने अलग कंपनी पे शिफ्ट किया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको कोई और नहीं बताएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से अब जो है हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये हम इसको जो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जो है टाइप सी वाले पोर्ट में ये केबल इंसर्ट कर देनी है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जो है मोबाइल में मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको चार्जिंग 61% शो करेगा। ठीक है, देख सकते हो ये चार्ज हो रहा है, हटाया लगाया मैंने दोबारा, 61% चार्ज शो कर रहा है, और यहाँ पर जो है LED जल रही है। बट फ्रेंड्स ये फ़ोन फास्ट चार्ज नहीं सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं जो है एक सेटअप तैयार करता हूँ। ठीक है, जिसमें जो है आपको वायरलेस चेक करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो आपको इजीली अच्छे से पता लग जाएगा। तो चलिए सेटअप कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जो है मैं जो है यहाँ पर अपना जो नथिंग वाला जो फ़ोन है इसको ले आया हूँ, और इसी में वायरलेस सपोर्ट करता है, तो आपको मैं दिखा पाऊँगा ईजिली। ठीक है, कि ये वायरलेस चार्ज हो रहा है या फिर नहीं। तो सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, इसको जो है इस केबल से जो चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको इंसर्ट करते हैं, तो ये देख सकते हो चार्जिंग रैपिडली शो कर रहा है, मतलब कि फास्ट चार्ज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी चार्जिंग शो कर रहा है, और यहाँ पर पावर बैंक में लाइट जो है ग्रीन जल रही है, जिसका मतलब है कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से है, तो इस तरीके से फास्ट चार्ज होगा। ठीक है ना, तो 20% हो गया, देखिए अभी 19% था, 20% हो गया, तो काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। तो अब जो हम इसको जो है वायरलेस चार्ज करके चेक कर लेते हैं, और देख सकते हो अभी जो है ये वायरलेस चार्ज हो रहा है, 20% चार्जिंग वायरलेसली। ठीक है, आप इसको इस तरीके से रख लो, देख सकते हो फिर चार्ज हो रहा है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपको देख सकते हो वायरलेस चार्जिंग शो करेगा यहाँ पर नीचे। वेट अ सेकेंड, देख सकते हो वायरलेस चार्जिंग। तो इस तरीके से जो 15 वाट की जो आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी। बट तो जैसे कि आप सभी ने देख लिया, मैंने जो आपको सारी टेस्टिंग करके दिखा दी है। ठीक है, आपको जो है सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है, क्यों आपको ये बाय करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड देख सकते हो अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हो तो ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, और जो एमरेन के जो हैं अपने जो है वायरलेस चार्जिंग वाले हैं वो भी 2000 के अराउंड है, आपको 1800-2000 के अराउंड मिल जाएंगे। तो अगर आप ऑफलाइन अगर बाय करते हो तो आपको ये 1300-1350 के अराउंड मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी डील रहेगी, और एक साल की वारंटी मिलेगी, क्योंकि जो है एमरेन जो है 6 मंथ की वारंटी देता है और ये 1 साल की देता है, तो बेटर मुझे ये लगा, तो जो मैंने इसे बाय किया। ओके, तो स्पीजन भी है, तो वो थोड़े कॉस्टली हैं, हफ्ते हो गए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कोई इशू देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो पहले हम जो है किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो उसको चेक करते हैं, देन उसकी वीडियो शूट करते हैं, ताकि आपको जो है एक जेन्युइन रिव्यू दे सकें। ठीक है ना, तो ये था एक रिव्यू, आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो, और कुछ आपको नया मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।